गुड मॉर्निंग क्लास 7th। तो कल हमने चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे जो कि है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। किसका उपहार? चप्पलों का एक उपहार या गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी विद हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर। मृदु एक छोटी सी बच्ची थी जो किसके साथ रहती थी? अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली एंड रवि एंड मीना। तो एक दिन जो तापी थी, मतलब उसकी जो दादी थी, वो उसे उसके कजन्स थे, कौन थे वो? लाली, रवि एंड मीना। उनसे मिलाने के लिए क्या करने गई? लेकर गई। वो उनसे मिलाने के लिए लेकर गई। अ स्माइलिंग डोर रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। उन्होंने ओपन खोला, ग्रेट खोला रुकुमनी ने। तो रवि एंड मीना रश आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस। रवि ने क्या किया? जोर से खींचकर मृदु को अपने घर में ले गया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। और मृदु ने क्या कहा? मेरे को मेरी चप्पल तो उतारने दो। हम घरों में जाते हैं किसी के तो क्या करते हैं? सबसे पहले चप्पल उतारते हैं। इन द सेम वे शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन। और उसने अपनी चप्पल बाहर खुली हुई एक जो बाहर एक चप्पल खुली हुई थी बड़ी सी, उसके पास उसने अपनी चप्पल खोल दी। दोज ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो ग्रे हो रखी थी, गंदी हो रही थी। एक्चुअली किससे हो रही थी? मिट्टी से हो रखी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीव पर। और आपको हर एक पार्ट पर उसके पैरों के छपने के निशान इजिली दिखाई देते। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो उसके पैरों के जो निशान थे वो कैसे थे? बहुत ही ज्यादा लंबे थे। और कैसे थे? भयानक से थे, अजीब से थे, बहुत ही ज्यादा। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट दोज हू स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड इन टू हर द बैक यार्ड विद बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। बिकॉज मृदु को ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जो रवि था उसे खींचकर वापस पीछे के आंगन में ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद अ सेकिंग फील्ड विद सैंड। वहां पे एक फटी हुई फुटबॉल रखी थी और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। ले वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और उसने वहां जाकर देखा कि एक छोटी सी बिल्ली एक कोकोनट का जो शेल होता है नारियल का, उसके अंदर से क्या पी रही है? दूध पी रही है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग ही वॉज म्यूइंग एंड पुअर थिंग सैड रवि सैड मीना। तो मीना ने कहा आज ये हमें बाहर मिली थी क्योंकि ये बाहर क्या कर रही थी? रो रही थी। इट इज अ सीक्रेट। ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। और ये एक सीक्रेट है क्योंकि अगर माँ हमारी अम्मा को पता चल गया तो वो अपने घर चली जाएंगी, मतलब ये घर छोड़ देंगी उन्हें पता चल गया तो कि उनके पास कैट है। तो कैट हर किसी को पेट एनिमल्स पसंद नहीं होते। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमें कहते सेड ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि। तो रवि ने ये कहा कि लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जानवरों को क्या करना चाहिए, पालना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, पालना चाहिए, बट जब बारी आती है तो सब कहते हैं कि ये गंदे से क्रिएचर है, इनको यहाँ मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से जो किचन से है ये इतना सा दूध लेकर आया हूँ इसके लिए। पार्टी सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड नाउ। पार्टी ने मेरे हाथ में ग्लास देख और रवि ने कहा कि पार्टी ने मेरे हाथ में दूध का ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा क्या है, मुझे भूख लगी है। एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ दी सेंट। बट उन्होंने मेरी बात पर, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और उसमें से मुझे थोड़ा सा दूध पीना पड़ा ताकि मैं उन्हें विश्वास दिला सकूं। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग बट उनको वो जो मग था वो वापस चाहिए था। पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। फिर मुझे उनको झूठ बोलना पड़ा कि मैं खुद ही इसे धोकर रख दूंगा, मैं आपको परेशान क्यों करूं। I had to run and pour milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she really got suspicious. फिर मैं भागता हुआ गया, मैंने वापस दूध उसमें कोकोनट शेल में डाला ताकि वो किटन पी सके, बिल्ली का बच्चा। और उसके बाद मैंने वापस गया किचन में और मैंने उसे धोकर रख दिया ताकि उन्हें कोई शक ना हो।
नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र. नाउ हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम महेंद्र को क्या कर सके, खाना खिला सके. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. अब मृदु बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई, और उसने पूछा इस किटी का नाम क्या है. महेंद्रन है, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये तो एक रियल नाम लग रहा है, नॉट जो हम पैट नेम रखते हैं ना प्यार से, वो नाम नहीं था. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. तो उसने कहा इसका नाम महेंद्र पल्लवा पुनई है, अगर तुम चाहते हो शॉर्ट में कहना तो तुम एमपी पुनई भी कह सकते हो इसे, राइट. ही इज जस्ट अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही फाइन ब्रीड है. जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, लाइक अ लॉयंस मैन. एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स आर, डोंट यू. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एंड मृदु, और उसने मृदु से पूछा तुम क्या पल्लवा किंग्स के बारे में जानती हो. और उसने देखा कि उसने ये देखा मृदु की तरफ देखते हुए, सोचा कि शायद ये जानती होगी. मृदु गिगल, मृदु धीरे धीरे हंसने लगी. गिगल करना मतलब होता है धीरे धीरे हंसना. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समटाइम. तो रवि ने कहा तुम्हें लग रहा है मैं झूठ मजाक कर रहा हूँ, जस्ट वेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ. इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये देखकर तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. आई सॉ अ स्टैच्यू वेल वेन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, हम जब महाबलीपुरम गए थे. आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज थाताज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फैक्ट इज महेंद्र एंड हिज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट एवरी सेम एंशियंट कैट. तो वो कंफ्यूज हो गया बहुत ही ज्यादा, फिर कहने लगा कि ये किसी के डिसेंडेंट है, ये किसके डिसेंडेंट है, ये जो महाबलीपुरम के एंशियंट पल्लवास किंग थे उन्हीं के हैं. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन. तो वो कहना चाह रहा था कि ये जो कैट है वो लायन की क्या है, बायोलॉजिकल मतलब उसी की फैमिली को बिलोंग करती है. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्किंग. और रवि एक छड़ी ले रखी थी और इधर उधर घूमे जा रहा था और है ना बता रहा था, तो उसकी आंखें स्पार्कल कर रही थी जैसे तो वो बहुत कुछ जानता है पल्लवा किंग्स के बारे में. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. तो उसने कहा ये cat किसकी descendant है, जो Mahabalipuram की Rishi cat है उनकी. And if may I just remind you, they worship cat in ancient Egypt. और अगर मैं तुम्हें remind कराऊं, ये सब रवि कह रहा है, तो ये वो जो ancient Egypt में किसको मानते थे, वो कैट को वर्शिप करते थे. How he loved the sound of his own voice, मृदु and me, मृदु exchange लो. What does have to do anything with the मृदु demanded. मृदु ने कहा ये तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. Who I am telling you that this cat is descendant from the Egyptian cat, no goddess bastard या that's so. तो वो फिर बकवास करने लगा और मृदु ने लास्ट में कहा तो क्या करें अब. Well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava's ship and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant Ravi flourishes Mahendra and MP Pune here who he shrieked very pleased himself. मतलब वो अपने मन से कहानी बना रहा था कि ये जहाज में बैठकर यहाँ आ गई और इसके जो पूर्वज थे, ऐसे करके वो कहानी बनाए जा रहा था रवि. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, और जैसे वो लकड़ी को कर रहा था तो एकदम से महेंद्र अलार्म सचेत हो गया. ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन दी एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो अपने जो पंजे थे उन्हें शार्प कर रहा था कोकोनट जो शेल था. बट वर्स देन रवि ऑफुल हुप वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, बट एकदम से उन्हें एक अजीब सी आवाज आने लगी खिड़की के वहां से. वॉट अ वियर्ड साउंड, इफ मृदु वॉज स्टार्टल एमपी पुणे वॉज सो फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स हियर स्टैंडिंग ऑन द एड ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्रीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट ही हैड बीन सेट आउट टू ड्रे. अब वो आवाज इतनी भयानक थी कि मृदु ही डर गई. तो वो बेचारी कैट थी, किटन थी, बिल्ली का बच्चा, उसके क्या हो गए, वो जाकर जो एक चारपाई थी जिसपे लाल मिर्चियां सुखा रखी थी उसके नीचे जाकर छुप गया. ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ बीनीथ इट, वो अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा था.
He tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. और वो उसने तो अपने ऊपर मिर्चियां भी गिरा ली और वो miserably meow meow चिल्लाने लगा. The creaking went on and on. What's that noise? said Mridu. तो आवाज थी वो अजीब सी आने लगी. That's Lali learning to play the violin, grunted Ravi. तो उसने कहा ये लाली है जो कि क्या प्ले करना सीख रही है, वायलिन प्ले करना सीख रही है. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on when Lali is all the time derailing completely off track. तो उसका जो म्यूजिक मास्टर है वो इतना अच्छा बजाते हैं एकदम पटरी पर, जैसे ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन पटरी पर जा रही है, और जो ऑन दी अदर हैंड लाली इस तरीके से बजाती है कि जो कोई ट्रेन लड़खड़ाकर पटरी पर चल रही है. तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसका सेकेंड पार्ट कम्प्लीट कर लेंगे. दिस इज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू. रिवाइज इट. ओके, रिवाइज इट.